स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्नोलॉजी ग्रिक में। मैं आपका दोस्त और होस्ट नितेश वर्मा। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि DigitalBG से रिलेटेड कुछ ऐसा अपडेट, जैसे कि इस अपडेट के बारे में आप जान पाएंगे। बट फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर तो गाइज, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हमने पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से वीडियो देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो फ्रेंड, आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही पीछे का फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बिना ग्रीन पर्दे के। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देखिए, क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद सिंपली से यहाँ पर सर्च बार में लिखना है remove BG, यहाँ पर टाइप करना है remove BG। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है remove BG। लिखने के बाद उसके बाद सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबसे फर्स्ट वाला पेज, आपको रिमूव इमेज बैकग्राउंड, इस पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड इमेज, तो इस पर सिंपली से क्लिक करने के बाद आप, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कैमरा दिखा रहा है, अपना फ़ोटो खींच सकते हैं, और नहीं तो पहले से गैलरी में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ब्राउज़र, यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल में जाएंगे, वहाँ से आप एक फ़ोटो आपको चूज करना है। तो हमारा, देखिए हमारा फाइल खुल गया है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल में खोलेंगे तो। तो फ्रेंड, हमने एक फ़ोटो यहाँ पर चूज कर लेते हैं। देखिए, हमने यह फ़ोटो चूज कर लिया, इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है पीछे का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह हमारा कुछ समय अपलोड होगा। तो गाइस, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली से आपको दिखाई दे रहा है एडिट पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे एडिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमको करना है, जैसे ये वाला, तो इस पर हम सिंपली से क्लिक करेंगे। जैसे ही सिंपली से क्लिक करेंगे तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए, हमने इस पर हमने चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आप चूज करके लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ समय वेट कीजिए, देखिए हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड पीछे का बदल रहा है। इस पर हम सिंपली से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ पर भी अगर कोई कलर चाहिए, आप सिंपल में रखना चाहते हैं, तो इस पर हम सिंपली से क्लिक कर सकते हैं, आप ऐसा कलर ला सकते हैं। तो गाइज, हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।